हम भारत की नारी पीछे नहीं हटने वाली जी, हमें कितने दूर पैदल चलना पड़े, हम भारत की नारी आगे बढ़ी है और आगे बढ़कर ही दिखाएंगे, विधानसभा जाकर ही दिखाएंगे, कट्टर सरकार को हम सबक सिखा कर रहेंगे, हमें हमारे अधिकार चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, आपका क्या समझौता उसी को लागू कर दो, हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा थी जी 1500 वर्कर और 750 हेल्पर, और वो आज तक 2018 में की थी और आज तक लागू नहीं है, उसी को लागू करवाने के लिए चल रहा है ये, और आज तक हमारी विडो बहने 80% इसमें और उनकी कोई सुनवाई नहीं है, वो मजबूर बेचारी 3 महीने से रोड पे पड़ी है, पैर में फ्रैक्चर है सर मेरे, हाँ हाँ नारनौल मंदरगढ़ से आ रही हूँ। ये आज विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे तो इनको रोका जा रहा है कि वहाँ पे तक ना पहुँचे और शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करें। तो महिलाओं के पुलिस के द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं हो रहा है, हमारी लेडीज पुलिस है, आप देख सकते हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक पुलिस कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रही, केवल अपनी सभ्यता से इनसे बात कर रही है और रोकने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं थाना प्रभारी से हमारी बात हुई है, उन्होंने सभी आरोपों को नकारा है और ये जो आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर हैं विधानसभा की तरफ पैदल ही कूच कर रहे हैं। Thank you.